हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका और अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। क्या बात करने जा रहे हैं, आज का अपना सेक्शन है रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। ऊपर नीचे जाने से मतलब ऐसे, या तो नीचे या तो ऊपर, रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। ठीक, सेक्शन में क्या बात करने वाले हैं, रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। तो आज के सेक्शन में हम बात करेंगे रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। इसमें सिर्फ और सिर्फ आज के हम भाग में बात करेंगे रा के ऊपर, यानी सिर्फ और सिर्फ इसको मान लीजिए एक तौर से आप भाग वन, भाग वन आप मानकर चलिए, क्योंकि आज के भाग वन में बात किया जाएगा सिर्फ रा पर और भाग टू में बात किया जाएगा ला के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले आप ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की बुक ओपन कर लीजिए और आपको मिल जाए, आपको मिलेगा पेज नंबर 120 पर। पेज नंबर 120 पर आप ओपन करिए, बुक ओपन करिए, पेज नंबर 120 पर आप पहुंच जाइए, वहीं आपको ये नियम दिया हुआ है। ठीक, हो सकता है कि आपके पेज में थोड़ा फ़र्क हो तो आप पेज को मिला लीजिएगा। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए फिलहाल आज के सेक्शन को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए सेक्शन, देखिए दिया हुआ है, पहले समझिएगा। देखिए उसमें दिया होगा एक, मिलाइए आप। देखिए एक में लिखा होगा छोटा आ, यानी आ, आ वाला देखिए आप। ठीक, अभी आ वाला देखिए, देखिए आ वाले में लिखा हुआ है और आरा। इसको समझिए पहले कि ये लिखा तो है हमने, लेकिन इस पर पॉइंट्स टू पॉइंट, इसको किस तरीके पॉइंट बनाए जिससे ये बना है। ठीक, तो चूंकि आपको पहले समझना पड़ेगा पॉइंट, तो देखिए सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक को अपने पास रखकर ही समझिएगा रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। देखिए हम आपको समझाते हैं, देखिए फिर समझिएगा मेरी बात को। देखिए जब किसी शब्द में, देखिए मिलाइए 120, पेज नंबर 120 पर ऊपर देखिए दिया हुआ है छोटा आ में, देखिए रा के पहले दिया हुआ है, रा के पहले यानी समझिएगा मेरी बात को। देखिए रा के पहले यानी एक रा ये हुआ, एक रा ये हुआ, ये कह रहा है रा के पहले, रा के पहले कोई वृत्त या आंकड़ा ना हो तो। समझिए क्या कह रहा है, रा के पहले यानी रा व्यंजन के पहले ना कोई वृत्त हो ना कोई आंकड़ा हो, तो यदि कोई स्वर पहले आवे, यानी यानी यदि कोई स्वर, यानी स्वर से मतलब यानी मात्रा, यदि कोई मात्रा रा के पहले आवे तो रा नीचे को लिखा जाता है। ये कह रहा है यदि कोई स्वर रा के पहले आवे, यानी मान लीजिए छोटा आ बड़ा आ छोटी, ये कह रहा है यदि कोई मात्रा अगर रा के पहले आएगी, रा व्यंजन के पहले आएगी, तो रा नीचे वाला लिखा जाएगा, ये वाला। ठीक, अब देखिए जैसे हम कहें कि आरा आरा, तो आप क्या कहेंगे, पहले स्वर आ रहा है यानी स्वर में मात्रा, यानी बड़ा आ आ रा, रा में बड़ा आ के मात्रा, तो कैसे लिखा जाएगा, नीचे की ओर लिखा जाए। देखिए ये नीचे की ओर हो गया, बड़ा आ की मात्रा रा की मात्रा, ये हो गया आरा। तो इसी पॉइंट को समझिए, देखिए इसका मतलब ये कि जब ये स्वर आ रहा है, देखिए इसमें स्वर, देखिए ये आ रहा है ओ की मात्रा और रा, पहले जब स्वर आ रहा है इसको नीचे की ओर लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, और। पॉइंट को वन को समझे आप, पॉइंट वन कह रहा है कि जब भी, देखिए लिखा हुआ है यदि कोई स्वर यानी मात्रा, यदि कोई स्वर पहले आवे, तो यदि कोई स्वर रा के पहले आएगी तो जो रा बनाएंगे वो बनाएंगे नीचे की ओर। जैसे देखिए हमने बनाया है, देखिए स्वर पहले आया हमने रा बना दिया नीचे की ओर, इसमें भी देखिए स्वर पहले आ रहा है तो हमने बना दिया, ये हो गया और। ठीक, अब ये हो गया बड़ा आ रा में बड़ा आ की मात्रा मिलकर आ रहा। ठीक, तो पॉइंट नंबर आ का वन हुआ क्लियर। अब बात करेंगे, देखिए उसी में, देखिए आ के वन में और दिया हुआ है, देखिए और, देखिए उसी में और यदि स्वर पहले ना आवे, यानी और यदि अगर रा व्यंजन के बाद स्वर आ रही हो, समझिएगा मान लीजिए रा व्यंजन पहले आ रहा है, देखिए रा व्यंजन पहले आ रहा है, इसके बाद में, इसके पहले कोई मात्रा ना हो, इस रा व्यंजन के बाद में मात्रा हो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम,
तो यही कहने का मतलब ये है, देखिए आपने इसको समझा कि जब कोई स्वर रा व्यंजन के पहले आएगी तो रा नीचे की ओर लिखा जाएगा। अब इसी में देखिए इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि रा व्यंजन के बाद स्वर आए, पहले मान लीजिए रा का व्यंजन हो, फिर उसके बाद रा के व्यंजन के बाद मात्रा हो, तब रा ऊपर की ओर लिखा जाएगा। जैसे देखिए रा, रा में ओ की मात्रा बाद में आ रही, ये हो गया रोज, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया, ठीक, रोज। अब उसके बाद देखिए ये हो गया राज, रा रम बड़ा की मात्रा जा मिलकर राज, ये हो गया रीज, ठीक, रीस, सॉरी रीस, रीस, ठीक। तो इतनी बात क्लियर, ये हुआ आ का वन में क्लियर। अब बात करेंगे छोटा आ, देखिए आ में उसी में देखिए नीचे लिखा हुआ होगा बा, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 121 के एकदम ऊपर, देखिए पॉइंट ऑफ ऊपर देखिए एकदम। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक, बा। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा, देखिए ये क्या कह रहा है, जब रा के पहले कोई वृत्त या कोई वृत्त आंकड़ा या कोई संकेत आता है, ये क्या कह रहा है, जब रा व्यंजन के पहले, यानी ये देखिए ये हुआ आपका रा व्यंजन, ठीक, देखिए ये हुआ आपका रा व्यंजन, ठीक। इतनी बात समझिए, जब रा व्यंजन के पहले कोई वृत्त या आंकड़ा या कोई संकेत आता है, यानी जब रा व्यंजन के बाद मान लीजिए इसमें हमने लगा दिए सा का वृत्त, ठीक, वृत्त आ गया, तो ये कह रहा है जब रा व्यंजन के पहले कोई वृत्त या आंकड़ा कोई संकेत आता है तो उस रा संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता, ठीक। अब इस रा के जो संकेत अंदर देखिए, इस जो सा के रा के अंत में कोई स्वर यानी मात्रा नहीं आती, रा नीचे लिखा जाता है, इस टाइम आपको रा नीचे लिखा जाएगा, ठीक। पर यदि अंत में स्वर आता है, पर यदि अंत में स्वर आता है यानी इसके अंत में अगर मात्रा आती हो तो रा ऊपर को लिखा जाएगा, ठीक। जैसा समझिए, देखिए 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 इसमें देखिए सा लिखा हुआ है, सा और रम ई की मात्रा, सी और रा मिलकर सीर, ठीक। अब देखिए सा समय बड़ी की मात्रा, रा के अंत में अब आ गई मात्रा, देखिए सा समय बड़ी की मात्रा और रा के अंत में मात्रा आ रही है, तो इसको हमने लिखा है ऊपर की ओर, तो ये हो गया सीरा, ठीक। अब देखिए सा समय बड़ा की मात्रा यानी सा के पहले आ रही है मात्रा, तो इसको हम कहेंगे सार, ठीक। अब इसको कहेंगे साड़ी, ठीक, यानी ये बा भी आपका हुआ क्लियर। अब बात करेंगे हम, अब देखिए दूसरे का, देखिए दूसरे का आ, दूसरे का आ भी आपको पेज नंबर 121 पर दिखा होगा। देखिए लिखा हुआ है जब रा शब्दों में पहला अक्षर होता है, समझिएगा, जब रा शब्दों में पहला अक्षर होता, कहने का मतलब ये कि किसी भी शब्द में रा पहला अक्षर हो तो, ठीक। अब समझिए इसमें आ समझने, देखिए दूसरे का आ लिखा हुआ है अरब, ठीक। आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, समझिएगा, यदि किसी शब्द में, समझिएगा, यदि किसी शब्द में रा के पहले स्वर है, क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द में रा व्यंजन के पहले स्वर यानी मात्रा है, ठीक, इतनी बात समझिएगा, तो रा नीचे को लिखा जाएगा, ठीक, रा नीचे को लिखा जाएगा, यदि पहले स्वर, यदि रा व्यंजन के पहले स्वर नहीं हो तो रा व्यंजन ऊपर को लिखा जाएगा, ठीक। आप बिल्कुल समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए मेरी बात को, इसी पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट कह रहा है यदि किसी शब्द में, यानी मान लीजिए कोई भी शब्द हो उसमें उसमें रा, देखिए यदि किसी शब्द में रा के पहले स्वर हैं, यदि किसी शब्द में रा व्यंजन के पहले स्वर है, यानी मान लीजिए ये एक शब्द मान लीजिए, हमने मान लिया कोई भी शब्द, मान लीजिए इसे हमने माना अरब, ठीक, अरब मान लीजिए, अरबी मान लिया हमने अरबी। अब ये कह रहा है कि यदि किसी शब्द, ठीक, यदि किसी शब्द में रा के पहले स्वर हो, जैसे देखिए इसमें रा के पहले स्वर हो
रा नीचे को लिखा जाएगा, समझ रहे हैं आप ना। मान लीजिए रा में स्वर हो, समझिए फिर से इस पॉइंट को समझिए, यदि किसी शब्द में रा के पहले स्वर हो, यदि कोई मान लीजिए शब्द हो, उस शब्द में व्यंजन एक आ रहा हो रा, उस रा व्यंजन के पहले कोई कोई मान लीजिए स्वर हो तो रा नीचे की ओर लिखा जाएगा। ऐसे समझिए आप कि यदि किसी शब्द में रा व्यंजन आपको दिखे और उस रा व्यंजन के पहले स्वर हो तो रा व्यंजन लिखा जाएगा नीचे की ओर। अगर उस रा व्यंजन के, देखिए नीचे को लिखा है, यदि पहले स्वर नहीं हो, यदि अगर रा व्यंजन के पहले कोई स्वर नहीं है तो रा लिखा जाएगा ऊपर की ओर। ठीक, इतना बात क्लियर, ऊपर को लिखा जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है अरब, अब देखिए रा व्यंजन, देखिए अरब हुआ, देखिए आ रा बा, अब देखिए इस रा व्यंजन के पहले कोई स्वर नहीं आ रही है तो इसको क्या करेंगे हम, नीचे की ओर लिख देंगे आ रा बा मिलकर अरब। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए अरब ये हुआ आ रा बा, इस पॉइंट को समझे आप। देखिए पहले आ रहा है आ का व्यंजन, सॉरी आ का स्वर यानी आ की मात्रा आ रही है, फिर रा व्यंजन आया, यानी ये एक शब्द हुआ अरब, एक शब्द हुआ अरब। अगर इस शब्द के, इस शब्द में एक व्यंजन मिल रहा है हमको रा का व्यंजन, रा का व्यंजन, इस रा व्यंजन के पहले अगर स्वर मिल जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको लिख देना है, यानी ऊपर की ओर बनेगा। अगर रा व्यंजन के पहले कोई स्वर नहीं है, ठीक, रा व्यंजन के पहले स्वर आ रहा है तो इसको हम नीचे की ओर लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो ऊपर की ओर लिखेंगे। ठीक, अरब हुआ, अब देखिए उसके बाद ये हुआ अरबी, अरबी। ठीक, इसके बाद ये हुआ आरोप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको रा, रा में बड़ा आ की मानता, नाम बड़ी की मानता, यानी रा के, रा व्यंजन के, यानी एक शब्द हुआ रानी, देखिए रानी एक शब्द हुआ, और इस रानी में देखिए रा, रा है, रम बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो यानी रा व्यंजन है, रम बड़ा आ की मात्रा, नम बड़ी की मात्रा, जब बड़ा बड़ा, जब यानी रा व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो रा ऊपर की ओर लिखा जा रहा है, यानी हुआ रानी। उसके बाद लिखा हुआ है रानी के बाद देखिए लिखा हुआ है रोना, ठीक, रोना ये हुआ। पॉइंट और ये आपको हुआ होगा क्लियर। ठीक, ऐसे देखिए, अब देखिए, अब देखिए इसके बाद देखिए आ हुआ क्लियर आपका। अब बात करते हैं हम बा, अब देखिए दूसरे का बा, देखिए दूसरे का बा, ये भी आपको पेज नंबर 121 पर ही मिलेगा। अब समझिएगा दूसरे का बा, देखिए शब्द शब्द संकेतों की रोचकता पर विचार कर सुविधानुसार रा चावर्ग टावर्ग तावर्ग, और देखिए चावर्ग मतलब देखिए समझ, फिर समझा दें आपको एक बार, देखिए चावर्ग, चा को कहते हैं चावर्ग, उसके बाद देखिए दिया हुआ है टावर्ग, टा को कहते हैं टावर्ग, उसके बाद ता को कहते हैं तावर्ग, और रा या वा अथवा ला आंकड़े मिले हुए का वर्ग के पहले ऊपर की तरफ लिखा जाता है और स्वर का कोई विचार नहीं किया जाता, केवल इस बात का ख्याल रखा जाता है कि संकेत बिगड़ने ना पावे। ठीक, से देखिए ये हुआ पॉइंट आराजी, बड़ा आ की मात्रा, रम बड़ा की मात्रा, जा जा में बड़ी की मात्रा, इसको समझिए फिर से एक बार। देखिए ये कह रहा है कि सुविधानुसार रा व्यंजन चवर्ग टावर्ग तावर्ग और रा या वा, यानी रा व्यंजन या व्यंजन और वा का व्यंजन अथवा ला आंकड़े मिले हुए, ला आंकड़े मिले हुए का वर्ग के पहले ऊपर की तरफ, समझिएगा ऊपर की तरफ लिखा जाता है और स्वर का कोई विचार नहीं रखा जाता। जैसे देखिए लिखा हुआ है आराजी, देखिए बड़ा आ रम बड़ा आ की मात्रा आरा जी, इसमें देखिए रम बड़ा आ की मात्रा आ रहा है तो रा ऊपर की ओर लिख दिया हमने आराजी। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है आरती, आरती, फिर उसके बाद देखिए रा, रा में देखिए अब रा के बाद कोई स्वर आ रही है तो रा ऊपर की ओर लिखेंगे हम, रा रा में ओ की मात्रा, टाटा में ए की मात्रा, देखिए हमने लिखा है रा रा में ओ की मात्रा, टा में ओ की मात्रा रोटी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है अरा रोट, अरा अरा रोट, अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है अरवा, अर वा अरवा, उसके बाद लिखा हुआ है अरकल, अर अरकल। तो इतनी बात क्लियर। अब देखिए बात करते हैं दूसरे का सा,
दूसरे का सा सॉरी दूसरे का सा देखिए, वो भी दिया है पेज नंबर 121 के बिल्कुल नीचे देखिए। अब इसको समझना है आपको, माँ के पहले रा हमेशा नीचे लिखा जाता है, समझिएगा। यानी देखिए, माँ के पहले, ठीक, देखिए माँ के पहले यानी माँ व्यंजन ये हुआ, सॉरी देखिए फिर से देखिए, थोड़ा नीचे डाउन पड़ जाता है ना ये, देखिए माँ व्यंजन ये हुआ, ये कह रहा है पॉइंट, माँ के पहले रा हमेशा नीचे लिखा जाता है, यानी माँ के पहले अगर रा व्यंजन आएगा तो हमेशा और हमेशा नीचे की ओर लिखा जाएगा, यानी माँ के पहले आ रही है ना कि बाद में। तो यानी माँ के पहले अगर जैसे हमको लिखना हुआ राम, तो रा राम बड़ा आकी मात्रा और माँ मिलकर राम, यानी अगर माँ व्यंजन के पहले सॉरी माँ व्यंजन के पहले हमेशा अगर रा आएगा तो वो नीचे की ओर आएगा। माँ व्यंजन के पहले रा हमेशा नीचे लिखा जाता है, चाहे मात्रा पहले आवे या ना आवे। इतनी बात क्लियर, ये पॉइंट आपका होगा क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। फिर से एक बात समझिए, ये पॉइंट कह रहा है यदि माँ व्यंजन के पहले रा व्यंजन आएगा तो देखिए रा व्यंजन होते हैं दो तरीके, पहला तरीका एक ऊपर की ओर, दूसरा तरीका होता नीचे की ओर। तो क्या करना है हमको, माँ व्यंजन के पहले यदि रा व्यंजन आएगा तो रा हमेशा और हमेशा नीचे की ओर लगेगा, चाहे उसमें मात्रा वगैरह चाहे जो आवे, ठीक। जैसे देखिए आ बड़ा आ की मात्रा रा, देखिए रा आ रहा है ना, रा अब देखिए रा है, रा के बाद माँ है, ये माँ व्यंजन, माँ के व्यंजन के पहले रा, देखिए रा नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये हो गया आराम। बस बेफिक्र रहिए, आपको सारे पॉइंट बिल्कुल आसानी से आसानी तरीके से सिखाइए, वो भी उस रोचक तरीके से, ठीक। देखिए ये हुआ आराम, उसके बाद देखिए माँ व्यंजन, माँ के व्यंजन पहले रा आ रहा है तो नीचे की ओर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है ये भी, तो ये हो गया रा, रा में बड़ा आ की मात्रा, माँ मिलकर राम। अब देखिए माँ व्यंजन है, माँ व्यंजन के पहले रा आ रहा है तो नीचे की ओर है, तो बिल्कुल ये सही है। ये क्या लिखा हुआ, रा, रा में ओ की मात्रा, माँ मिलकर रूम। अब देखिए माँ व्यंजन है, उसके पहले रा है, फिर उसी में सा जुड़ा हुआ है, ये यानी हो गया सरम, सरम, सरम हुआ, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर टू का सा हुआ क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री का आ, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 122 पर, बिल्कुल ऊपर देखिए। जब रा, समझिएगा, जब रा शब्द के अंत में आता हो, यानी जब रा व्यंजन शब्द किसी शब्द के अंत में आता हो। अब देखिए तीसरे का आ में समझिए आप, देखिए ये कह रहा है यदि कोई स्वर, यदि कोई स्वर रा के अंत में आता हो, ठीक, यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता, फिर समझिए इसको, यदि कोई स्वर रा के अंत में नहीं आता तो रा नीचे को लिखा जाता है। इसका मतलब समझे आप, जैसे समझिए फिर से मेरी बात को, देखिए ये कह रहा है यदि कोई स्वर यानी मात्रा रा व्यंजन के अंत में नहीं आता, यानी समझिए जब रा व्यंजन, समझिए रा व्यंजन ये है, अब देखिए इसके अंत में अगर, इसके बाद इसके अंत में अगर मात्रा, ठीक, इसके अंत में अगर रा, इस रा व्यंजन की बात हो रही है, इस रा व्यंजन के अंत में अगर मात्रा नहीं आएगी, अगर मात्रा नहीं आएगी तो रा हम नीचे की ओर बनाएंगे ऐसा, ठीक। अब सुनिए, अगर रा, इसी रा, आप देखिए ये कह रहा है यदि कोई, यदि कोई स्वर, यदि कोई, यदि कोई मात्रा रा व्यंजन के बाद आती हो तो रा ऊपर की ओर लिखा जाएगा। अगर यदि रा व्यंजन के बाद कोई मात्रा अगर नहीं आती हो तो रा नीचे की ओर लिखा जाएगा। वह समझिए, देखिए माँ, माँ में बड़ा आ की मात्रा रा, अब देखिए ये हो गया मार। अब देखिए इसी मार से हम आपको समझा देंगे कि पॉइंट क्या कह रहा था। देखिए माँ, माँ में बड़ा आ की मात्रा रा, रा, रा व्यंजन अकेला है, जब रा व्यंजन अकेला होगा तो वो नीचे की ओर लिखा जाएगा। अगर रा व्यंजन अकेला नहीं है, उसमें स्वर आ रही हो यानी मात्रा आ रही हो रा व्यंजन के, चाहे वो रा, रा सॉरी शब्द के बीच में हो चाहे अंत में हो, अगर रा व्यंजन में मात्रा आ रही है तो रा ऊपर की ओर लिखा जाएगा, ठीक।
अब देखिए उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है मारो। अब इसको इससे समझा देंगे हम आपको। देखिए मा मम बड़ा की मतलब माँ, और देखिए रा व्यंजन मार, और उसी में ओ की मात्रा आ रही है। जब ओ की मात्रा आ रही है तो हमने रा व्यंजन को ऊपर की ओर लिख दिया। देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है हमने मारो। उसके बाद देखिए उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ है गाड़ी, गाड़ी ठीक, ये समझ में आओ। अब देखिए बा, बार, देखिए बार। अब देखिए इस रा व्यंजन के बाद कोई मात्रा नहीं आ रही है तो हमने रा को नीचे क्यों लिख दिया। अब देखिए बारी, बारी। अब देखिए रा में बड़ी की मात्रा आ रही है तो रा को हमने ऊपर की ओर लिखा है। अब देखिए तीसरे थर्ड का बा, देखिए ये भी आपको पेज नंबर 122 पर मिलेगा। इसको समझिए, ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात, ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात रा ऊपर लिखा जाता है ठीक। यानी जैसे मान लीजिए आप ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन बहुत से हैं, वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन हैं रा है, या है, वा है ठीक, और भी बहुत सारे व्यंजन हैं। जैसे मान लीजिए वा, हाँ, ऐसे कुछ व्यंजन हैं, हा भी हैं, हा भी हैं, ये सभी व्यंजन हैं। ये पॉइंट कह रहा है ऊपर लिखे जाने वाले जितने भी व्यंजन हों ठीक, ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात अगर रा ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन, जैसे मान लीजिए ये ऊपर लिखे जाने वाला व्यंजन है, इसके बाद अगर रा का व्यंजन आए तो वो भी बिल्कुल ऊपर लिखा जाएगा, ना कि अब ऐसे लिखे आपने फिर हारा ठीक। ये कह रहा है कि ऊपर लिखे जाने वाले जितने भी व्यंजन हैं, उन ऊपर लिखे जाने वाले जितने भी व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों के बाद यदि अगर रा का व्यंजन आए तो वो भी बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा। जैसे लिखना हो हमको हारा, हम बड़क मात्र हम बड़क मात्र हारा, वह हम बड़क मात्र हम बड़क मात्र वारा। पॉइंट क्लियर ठीक। देखिए जैसे देखिए राम राम में बड़ा की मंत्र रार, देखिए रा ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन है तो रा, और ऑलरेडी अगर रा आ रहा है तो रा भी ऊपर लिखा जाएगा रार। इसे देखिए या, या में बड़ा की मंत्र या, और रा आ रहा है ये भी रा ऊपर को लिखा जाएगा रियारी ठीक। तो पॉइंट नंबर हुआ थर्ड का बा भी क्लियर होगा। अब बात करेंगे थर्ड का सा पर। थर्ड का सा भी देखिए पेज नंबर 122 पर दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है तावर्ग, तावर्ग सा, तावर्ग मतलब ऐसे ता था दा धा, यही हुआ तावर्ग ठीक। तावर्ग सा और ना के बाद, समझिएगा तावर्ग और तावर्ग ठीक, तावर्ग सा और ना के बाद यदि वृत्त हो तो रा वृत्त के साथ ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे देखिए ताव ता तावर्ग सा और ना के बाद ठीक, तावर्ग में सा और ना के बाद यदि कोई वृत्त हो तो रा वृत्त के साथ लिखा जाएगा। जैसे देखिए तीसरा, देखिए ता, ता में ई की मात्रा सा, देखिए ता ता वर्ग है, ता में ई की मात्रा, और देखिए सा का व्यंजन है, और देखिए रा भी ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तीसरा, तीसरा उसके बाद देखिए लिखा हुआ है अनुसार, अनुसार ठीक। तो पॉइंट नंबर हुआ आपका थर्ड का साबिक क्लियर। तो जितने भी कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं उन सभी कंसेप्ट से आप संतुष्ट रहें ठीक, और बेफिक्र रहें, आपको सारा पॉइंट सिखाया जाएगा ठीक। तो देखिए आज हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया पॉइंट रा और ला के ऊपर और नीचे जाने का नियम। उसमें हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ रा, इसीलिए हमने इसको दे दिया भाग वन ठीक, भाग वन हमने दिया है। अब इसके अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो उसमें रहेगा भाग टू, और उसमें रहेगा सिर्फ और सिर्फ ला। तो देखिए आज हमने बताया रा और ला के ऊपर और नीचे जाने के नियम में रा को समझाया। इसमें अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, टेट सॉल्व, थैंक यू।